सो हे व्हाट्स अप गाइस, आई होप गाइस सब अच्छे होंगे। तो फाइनली गाइस, आज की वीडियो में आपको अपकमिंग सप्लाई क्रेट के लीक्स बताने वाला हूँ, और साथ ही यहाँ पर जो हमारा M3 रॉयल पास और M4 रॉयल पास जो कि आएगा उसके अंदर जो 50 RP पर आपको आउटफिट देखने को मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। आई नो कि मैं आपको M3 का रॉयल पास का जो आउटफिट है वो बता चुका हूँ, बट आज की वीडियो में आपको M4 रॉयल पास के अंदर जो आपको आउटफिट देखने को मिलेगा 50 RP पर वो भी इस वीडियो के अंदर कवर करके बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, सबसे पहले यहाँ पर हम M3 रॉयल पास और M4 रॉयल पास के जो आउटफिट आपको 50 RP पर देखने को मिलेंगे वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको M3 रॉयल पास के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख चुके हो, और अगर नहीं भी देखा तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारा M3 रॉयल पास था, और वहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक इमेज बताया था। तो अभी यहाँ पर आप टोटली पूरा इमेज देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का अपना आउटफिट होने वाला है M3 रॉयल पास का। एंड इसी के साथ यहाँ पर हमें M3 रॉयल पास के अंदर एक फ्रेम भी देखने को मिलेगा, जो कि हमारे आउटफिट से काफी ज्यादा मैच खाता है, तो डेफिनेटली आपको उसी रॉयल पास के अंदर देखने को मिलेगा। एंड इसी के साथ गाइज, यहाँ पर हमारे पास M4 रॉयल पास के भी लीक्स निकल के आ चुके हैं। वैसे यहाँ पर सिर्फ आउटफिट बता पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फ्रेम दिख रहा है वो M2 रॉयल पास का है, बट यहाँ पर जो M4 रॉयल पास का फ्रेम है वो अभी तक देखने को नहीं मिला है। बट यहाँ पर आप आउटफिट देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का आउटफिट होने वाला है M4 रॉयल पास के अंदर 50 RP पर। वैसे देखा जाए गाइज, तो यहाँ पर दोनों आउटफिट आपको एकदम बढ़िया देखने को मिल जाते हैं, बट अभी यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा बेटर है, M3 वाला या फिर M4 वाला, क्योंकि जब तक आउटफिट एक कैरेक्टर के ऊपर नहीं आता तब तक यहाँ पर हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन सा बेस्ट आउटफिट आपको देखने को मिला है। नाउ फाइनली गाइस, अब यहाँ पर हम देखने वाले अपकमिंग सप्लाई क्रेट, जो कि आपको कुछ ही टाइम में देखने को मिलेंगे। वैसे जो हमारा अभी करंटली सप्लाई क्रेट चल रहा है उसके भी 28 डेज रिमेनिंग है, तो जैसे ये कम्प्लीट होंगे एंड उसके बाद हमें देखने को मिलेगा एक न्यू सप्लाई क्रेट, और इस बार यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको सप्लाई क्रेट के अंदर एक UAZ का स्किन भी देखने को मिल जाता है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या आपको सप्लाई क्रेट में इस बार देखने को मिलने वाला है। सो फाइनली गाइस, अभी यहाँ पर आप एक आउटफिट देख पा रहे होंगे, जो कि एक मिथिक आउटफिट है, और ये आपको सप्लाई क्रेट के अंदर देखने को मिलने वाला है, जिसका नेम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है ल्यूटेनेंट परसेक सेट। इसका हेडगियर भी आपको देखने को मिल जाता है इसके अंदर, और साथ ही यहाँ पर जो इस आउटफिट का एक इमोट है लिटरली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। अगर ये किसी बंदे को भी आउटफिट निकलते आते यार, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूं, फिर तो आप काफी ज्यादा लकी पर्सन हो। एंड इसी के साथ साथ इस आउटफिट से रिलेटेड आपको और भी बहुत कुछ सप्लाई क्रेट के अंदर देखने को मिलेगा, जैसे कि बैकपैक आप देख पा रहे हो, उस आउटफिट से काफी ज्यादा मैच खाता है, और जो उसका नेम है वो एकदम इसी पर बेस्ड है। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको ये बैकपैक भी सप्लाई क्रेट के अंदर देखने को मिलेगा, और साथ ही यहाँ पर इस बार आपको मिलने वाली एक K98 का स्किन, जो कि आपको एक देखने को मिलेगी सप्लाई क्रेट के अंदर। और फाइनली यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एक UAZ का स्किन आने वाला है सप्लाई क्रेट के अंदर, तो देख सकते हैं यहाँ पर ये सप्लाई क्रेट के अंदर आने वाला है। तो अभी यहाँ पर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पर कभी भी यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं सप्लाई क्रेट के अंदर। बट अगर लीक्स की बात करें तो अभी तक लीक्स में यही कंफर्म हुआ कि सप्लाई क्रेट के अंदर आपको UAZ का स्किन देखने को मिलने वाला है। तो लेट्स सी, यहाँ पर हमें थोड़ा वेट करना है और देखते हैं लास्ट मोमेंट पर चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं या नहीं मिलते। अगर नहीं मिलते तो फिर तो यार पता नहीं किसको ये निकलने वाला है। और इसी के साथ यहाँ पर हमें सप्लाई क्रेट के अंदर एक स्टंट ग्रेनेड का भी स्किन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है। और अभी यहाँ पर आप एक देख सकते हैं, आपको एक सेट दिख रहा होगा जिसका नेम है पिनोचाई सेट करके। ये पहले हमें पिछली बार ही देखने को मिल चुका है, शायद कुछ क्रेट वगैरह में आया था, बट अभी यहाँ पर आपको सप्लाई क्रेट के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो होपफुली यहाँ पर अगर कुछ चेंजेस नहीं होते तो फिर तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको लेजेंडरी आउटफिट देखने को मिलने वाला है, वो भी सप्लाई क्रेट के अंदर। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर परफेक्ट सेट अगर सप्लाई क्रेट के अंदर पूरा आ रहा है तो उसका पैराशूट कैसे मिस हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको पैराशूट भी इस बार देखने को मिलने वाला है। और साथ ही यहाँ पर कुछ गन्स को भी ऐड किया गया है। वैसे ये जो गन आपको VSS का दिख रहा है और यहाँ पर QBU का दिख रहा है, ये ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, जहाँ पर आप इनको एज ए कोइन से भी परचेस कर सकते हो। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर जरूर से चेकआउट करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड इसी के साथ आप सभी को बताया कि M3 रॉयल पास आने वाला है, और उसके अंदर आपको एक RP क्रेड ओपनिंग का भी ऑप्शन आता है। जब हमारा 50 RP कम्प्लीट हो जाता है तो कुछ पॉइंट हमारे काउंट किए जाते हैं, और उस पॉइंट से हम यहाँ पर क्रेड ओपनिंग भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की क्रेड ओपनिंग आपकी होने वाली M3 रॉयल पास के अंदर, जिस क्रेड के अंदर आपको सेकेंड रॉयल पास और थर्ड रॉयल पास के गन के स्किन आउटफिट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही 6, 8, 10 करके जितने भी आपको यहाँ पर आउटफिट वगैरह सब कुछ दिख रहे हैं, सभी कुछ आपको एक ही क्रेड में देखने को मिलने वाला है। होपफुली यहाँ पर चेंजेस हो सकते हैं थोड़े बहुत, बट यहाँ पर फिलहाल में लीक्स के अकॉर्डिंगली अभी तो यहाँ पर यही पता चला है हमें। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोक देना, और चैनल पे आप अभी तक नहीं हो तो क्या करो मेरी जान, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, ताकि हमारे ऐसे आने वाले अपडेट्स आप बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलते हैं जल्दी हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर, लव यू गाइस।